राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री आफताब अहमद फरीदाबाद पहुंचे और प्रेस वार्ता आयोजित करके पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री आफताब अहमद ने कहा कि बीजेपी द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हमने आज यहां प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि अब हम लोग जनता के बीच जाकर बीजेपी की काली करतूतों को उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई है और हम प्रजातंत्र के प्रहरी हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने अडानी को गैरकानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया है और राहुल द्वारा यह सवाल उठाने पर यह सारा षड्यंत्र रचा गया है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, सदस्यता करी जा रही है, इन्हीं सवालों को लेके हमने आज ये पत्रकार वार्ता। तो जनता के बीच जाएंगे, इनकी कार को जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जनता के बीच में जाने की कड़ी है जिसको हम आपके बीच में यहाँ से शुरुआत करके पूरा जो है जनता के बीच में जन जन को जाके इसकी बात की चेतना भी जगाएंगे और इसकी जो इनकी काली करतूत है, जो इनका रिश्ता है, उसके बारे में भी जनता को जागरूक करेंगे। सरकार के बारे में आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये हथियार दे दिया, इस हथियार को किस तरह से चलाएंगे? मैं यही कहूंगा कि हम प्रजातंत्र के प्रहरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आजादी दिलाई है देश को और अब भी देश को इन ताकतों से जो सत्ता के दुरुपयोग करके संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं उनसे भी निजात दिलाई। मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने अडानी को गैर कानूनी तरीके से फायदा दिया, गैर वाजिब, और इस पे सवाल पूछने के तहत ये सारा षड्यंत्र रचा गया। इस तरह से कभी नहीं होता मानहानि के केस में कि भाई मैक्सिमम सजा दी जाए, इसमें तो पेनल्टी होती है, और वैसे भी उनको सफाई का मौका नहीं दिया गया। उसके बाद आप तुरंत देखेंगे सदस्यता खत्म कर दी, मकान खाली करने के नोटिस दे दिए। तो सरकार की मंशा साफ है कि वो तानाशाह हो चुकी है, लोकतंत्र में अधिकार की बात उनको पसंद नहीं है। विजय जी, फरीदाबाद में पत्रकारों पर भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। जो मोडस ऑपरेंडी इनका ऊपर है वही नीचे है, उसी मोडस ऑपरेंडी के तहत ये पूरी भाजपा काम करती है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर। जिस तरह से जो दो साल की सदस्यता रद्द की गई है उस पर अब फरीदाबाद से हरियाणा से कांग्रेस क्या शुरुआत करेगी? नहीं, हम इस पे ऐतराज करते हैं, जनता के बीच में जाएंगे, सही गलत हम जनता के सामने रखेंगे। अब जनता न्याय करे, हम यही चाहते हैं जनता न्याय करे। क्या रहेगा, मतलब गली गली में जाकर कुछ बात करेंगे या आप नुक्कड़ सभाएं करेंगे? भाई, लोगों से हम विभिन्न तरीके से इंटरेक्शन करेंगे ताकि लोगों को हम जागरूक भी कर सकें, अपनी बात अपनी नीतियां उन तक पहुंचा सकें कि भाई किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, ना उन्होंने रोजगार दिए, 2 करोड़ का वायदा किया था, 15 लाख नहीं दिए, डेवलपमेंट के नाम पर ये पैसा खाते हैं। आप नगर निगम फरीदाबाद ही देख लीजिए, 200 करोड़ की तो एक ही घोटाला है, उससे भी ज़्यादा के घोटाला निकलेंगे। कल थोड़ी सी बारिश हुई है, शहर जलमग्न हो गया है, तो ये डेवलपमेंट नहीं कर सकते, रोजगार नहीं दे सकते, इसीलिए ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं और इस तरह के मुद्दे बना रहे हैं, और इनके इस डाइवर्जन को रोकने के लिए हम जनता के बीच में जाएं। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, वहीं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।